हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आज मैं निफ्टी की वीकली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की एनालिसिस करूंगा। और उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी है कि इस वीडियो में जो भी व्यू है ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आए, ये जो लाइन का जो सपोर्ट लाइन है 10,131-125 के आसपास का, इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए तो एक अच्छा खासा इसी स्लोप में हम नीचे की तरफ जाएंगे, जिसका मैक्सिमम टारगेट 9400 का है और एक इम्पोर्टेंट टारगेट जो है 9840 का है। 9840 का टारगेट है और यहाँ पे 361 के ऊपर ट्रेड करने लगेंगे, क्लोजिंग दे देंगे तो फिर अच्छा खासा जो इसका टारगेट आ जाएगा 10,500 और 10,560। और इसके लिए ये लेवल ब्रेक करना जरूरी है। और ये लेवल आपको याद होगा, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में ऊपरी लेवल पे बंद होने के बाद यहाँ पे सारे लोग 10,800 की बातें करने लगे थे और वहीं पे हमने एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फिर 6 जून में मैंने ये वीडियो बनाया था और क्लियर बोला था कि पहले अगर इसको ऊपर जाना भी होगा तो 10,95-9600 के आसपास आएगा और दोबारा अटेम्प्ट करेगा, या तो यहाँ पे डबल टॉप बना करके गिरेंगे या मैक्सिमम इसका 11,019 का मैंने टारगेट दिया हुआ है। क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये लेवल 10,328 का लेवल है, इसके ऊपर की क्लोजिंग और कल मंडे का ट्रेडिंग सेशन में 363 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाएगी तो 10,560 यहाँ तक हम जा सकते हैं। फिर यहाँ से एक रेंज बन जाएगा और ये जाने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट एक बार 11,090 के आसपास जाएगा, लेकिन इसी मूव में नहीं जाएगा। जिस तरीके से बार बार एक मेजर रेजिस्टेंस से मार्केट फॉल कर जा रहा था, उसी तरीके से ये ब्रेकआउट हो जाता है 10,343, मीन्स कि ये जो हाई है, हाई काट करके ब्रेकआउट हो जाता है तो हम 11,090 का लेवल देखेंगे आने वाले 2 महीने के बाद। लेकिन इन बिटवीन हम डाउन साइकिल अपसाइड में 560-570 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करके फिर से हम नीचे की तरफ चलेंगे। वन वे मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है एज पर मेरा जो व्यू है। तो निफ्टी का मेजर नीचे जो सपोर्ट है 130-120 टूटेगा तो 9800 के आसपास आना चाहिए। इस हफ्ते का करना क्या चाहिए? तो एज फॉर माय व्यू मार्केट में 328 एक मेजर मेक एंड ब्रेक लेवल है, ये मुझे नहीं लगता है कटते हुए। कटेगा तो फिर हम पॉजिटिव जोन में चले जाएंगे। और जो मेरा ये व्यू था 96 जून वाला वीडियो में, क्लियर मेरा व्यू है कि यहाँ से हम नीचे जाएंगे फिर ऊपर डबल टॉप बना करके नीचे गिरेंगे या इसके ऊपर जाएंगे, ये डिसाइड मंडे को हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने 600 पॉइंट अर्न किया है, आप यहाँ दोबारा अगर शॉर्ट करते हैं, अगर ब्रेक ये लेवल नहीं कटे या दोबारा शॉर्ट करते हैं तो आप प्रोटेक्टेड हैं। प्रोटेक्टेड इस केस में है कि यहाँ आपने 600 पॉइंट अर्न कर लिया और यहाँ 200 पे शॉर्ट कर रहे हैं तो आप 10,800 तक नो प्रॉफिट नो लॉस में हैं। तो एक्यूरेट एनालिसिस का ये बेनिफिट होता है कि आप एक बार गलत होंगे तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग बराबर यहीं पे बाई करा देंगे, गिरा देंगे, फिर यहाँ पे आ गया दोबारा बाई करा देंगे, फिर गिरेगा तो आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पे दोबारा रिस्क कल के ट्रेडिंग सेशन में, आने वाला ट्रेडिंग सेशन में 328 कटते हुए नहीं दिखता है और किसी भी कारण बस 100 के नीचे ट्रेड होना शुरू कर जाता है तो फिर से 9800 की तरफ तैयारी कर लेगा। लेकिन कोशिश ये करना है कि ऊपरी लेवल पे बेचने का। तो ये रहा निफ्टी की वीकली एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।